राइट्स, आज हम लोग दशमलव का भाग करना सीखेंगे। दशमलव का भाग देखते ही हमारे दिमाग में बहुत बड़ी समस्या उलझन पैदा हो जाती है कि हम इसको कैसे हल करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको उलझन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े ही सरल ढंग से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा हौसला करके आपको सवाल को करना है। तो देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न जब बच्चों को दिया जाता है तो वे उसको लेकर के बैठे रहते हैं, समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही सरल ढंग से इसको करना है। तो देखिए जैसे देख रहे हैं कि एक प्रश्न है कि 3/0.0003 लिखा गया है। अब इसको आपको भाग देना है। तो आप इस तरह देखेंगे तो आप पहली बात इसमें ये सोचेंगे कि किस में किसका भाग देना है। सबसे बड़ी जटिल समस्या आप लोगों की यही है, आप ये सोचते हैं कि हम किस में किसका भाग दें। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो संख्या भाग के दाहिनी तरफ लिखी है उससे आपको भाग करना है, और किस में भाग करना है जो दाहिनी तरफ संख्या दी गई है। तो इस तरह से आप ये जान जाएंगे कि यह कौन सी संख्या है। इसको हम कहेंगे भाज्य, और इसको कहेंगे जिसे इस तरह की संख्या अगर दी गई है तो इसमें आपको समझना है इसमें भाज्य कौन होगा। तो भाज्य हमेशा बाईं तरफ होगा और भाजक जो होगा हमेशा दाहिनी तरफ होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसके दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस को लिख देंगे भिन्न के रूप लिख देंगे। इसको लिख देंगे 3/0.003 हो गया। इतना करने के बाद अब आपको यह करना है कि देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने जीरो हैं। तो दशमलव के बाद 2 0 और 3 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। तो आप 1 लिखेंगे ऊपर, 1 लिख करके 1 के आगे 3 0, अर्थात ये हो गया 1000। 1000 से गुणा करेंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से आपको भाग भी देना होगा। जब 1000 से भाग करेंगे तो 0.003 में जब 1000 का भाग करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 3 में 1000 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3000, और नीचे हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। अब 3 और 1000 3 1 के 3 3000 में आप 1 का भाग कर देंगे 3 का, तो आ जाएगा बराबर 1000। इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1000। इसी तरह से देखिए हम इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। देखिए लिखा गया है 3/0.15/0.03। तो आप इसको लिख देंगे कि 3/15 में कर देंगे, यह जाएगा 0.03। अब आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद देख रहे हैं 2 अंक हैं, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं अंश और हर दोनों में। तो अब आप इसमें आपको करना है, अगर आप चाहें तो इसको बिना भाग किए ही इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अंश और हर में दशमलव बराबर स्थान पर हैं, दशमलव के बाद बराबर अंक हैं, तो आप उस अंक को सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब नहीं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप ऊपर लिख देंगे 1 और 1 के आगे दशमलव के बाद 2 0 देख रहा लगा है, तो आप 2 0 लिखेंगे। उसी तरह से नीचे भी करेंगे, नीचे भी करेंगे तो हो जाएगा 2 0 यहाँ पर भी। इसके बाद आप इनका गुणा कर देंगे, तो जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 315 और नीचे हो जाएगा 3। अब आपको 315 में 3 का भाग दे देना है। तो लिख लेंगे इस तरह से कि 315 लिख देंगे, 3 लिख देंगे तो 3 से भाग करेंगे, ये हो गया 3 1 3, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 उतार लाए। अब 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, जब 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 3 1 3 नहीं जा रहा है, तो आप 3 0 0 ले जा सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 3 0 0,
इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक हो गया और जीरो हो गया, तो 3 0 0 हो गया। 3 0 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, इसके बाद 5 उतार लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, तो कट गया। और अब आ गया कितना, इसका आंसर आ गया 105। ऐसा करते हैं कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए दो प्रश्न और हम लेकर के इसे कर लेते हैं। जैसे देखिए दिया गया है, एक प्रश्न और दिया गया है कि 4.5 भागे 0.0015, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 4.5 और बटे में कर देंगे 0.0015। अब आपको देखना है कि देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, और तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक लिख करके इसके आगे 4 0 लगाएंगे, अर्थात ये 10,000 हो गया। 10,000 से गुणा करना है, अगर 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 10,000 से इसके हार में भी गुणा करेंगे। इस तरह से जब गुणा कर देंगे तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 और देखिए इसके आगे 3 0 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और बटे में हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 15। इसके बाद अब आप इसमें 15 से भाग देंगे, जब 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 3 और इसके आगे 3 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सरल कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखिए दिया गया है कि 2.5 भागे 0.5 लिखा गया है, इसे भी हम इस तरह लिख देंगे, ये हो जाएगा 2.5 और नीचे हो जाएगा 0.5। देखिए दशमलव के बाद बराबर अंक हैं, चाहे तो आप इसको 25/5 लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 10 का गुणा और यहाँ भी 10 का गुणा। जब 10 का गुणा करेंगे ऊपर तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 5 25 यहाँ पर 5 लिख देंगे। ऐसा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।